Today, our topic is diagnosis of pregnancy. आज ये टॉपिक में वी शुड डिस्कस अबाउट डिफरेंट सिम्टम्स गर्भवती होने के बाद जो सब सिम्टम्स होते हैं वो लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज एमिनोरिया. एमिनोरिया का मतलब ये है जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसको एमिनोरिया बोलता है. जनरली मेंस्ट्रुएशन महिला को मेंस्ट्रुएशन 28 दिन में होता है. ये मेंस्ट्रुएशन इसमें 28 दिन में प्लस माइनस 2 डेज होता है तब भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई महिला को दो दिन आगे हो जाए या दो दिन बाद में हो जाए तब भी ठीक है, किंतु उसके बाद और 4-5 दिन बाद नहीं हुआ तो हम लोग उसको स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे. एंड देयर इज आल्सो मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस सलाइवेशन एंड चेंजेस इन डिपोजिशन एंड इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लडर. ये सिम्टम्स हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो ये जो सिम्टम्स है दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा सिम्टम होता है. हम लोग टोटल गर्भ को 3 सेमिस्टर में भाग करेंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला 3 मास, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब सेकंड 3 मंथ्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब थर्ड 3 मंथ्स. तो देखते हैं व्हाट इज एमिनोरिया. जब एमिनोरिया होता है मतलब जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिम्टम. कोई महिला को मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाने से इनको शॉक करना चाहिए जो इनको प्रेगनेंसी होने का संभावना है, तो जाके डॉक्टर के पास जाके वो चेक करवा लेना चाहिए. या बाजार में आजकल यूरिन स्टिक मिलता है, वो यूरिन टेस्ट स्टिक देके चेक करवा लेना चाहिए जो क्या बात है, आर दे आर रियली प्रेगनेंसी और नॉट. उसके बाद जो सिम्टम होता है दैट इज मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस में पेशेंट को वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी होता है. ये जनरली अर्ली वीक्स में होता है. जनरली 4-5 वीक्स प्रेगनेंसी का टाइम में ये होता है. कभी कभी दिस कंटिन्यूस अप टू 16 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. मॉर्निंग सिकनेस के बाद जो सिम्टम्स है, मॉर्निंग सिकनेस जनरली इट स्टार्ट्स इन द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यूस ऑल ओवर द डे. मॉर्निंग सिकनेस कभी कभी जनरली ये अर्ली आवर्स में ही रहता है एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ द डे दिन जितना बढ़ते रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता कमती होते जाता है. कभी कभी ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द डे पूरा दिन ये रहता है. कोई कोई को खाली नौशिया होता है. नौशिया मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी.
किसी किसी कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा होता है उनका कोई मॉर्निंग सिकनेस होता ही नहीं। उसके बाद जो सिम्टम्स होता है उसका नाम है सलाइवेशन। आप लोग जानते हैं देयर इज ए सलाइवरी ग्लैंड इनसाइड आवर माउथ, हम लोग का मुंह का अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड से जो लाला होता है वो इट कम्स इन द माउथ, समटाइम्स इट कम्स आउट ऑफ द माउथ एंड वो गिरते रहता है, इसको सलाइवेशन बोलता है। इट इज समटाइम्स अनप्लेजेंट फॉर द वोमेन। कभी कभी वो टाइम में जो गर्भवती महिला है उन लोग का टेम्परमेंट में थोड़ा सा चेंज आता है, कभी कभी मिजाज खिच खिच टाइप हो जाता है, थोड़ा सा बात में वो लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, कैप्रिशियस हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अनदर सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ये समय में गर्भवती महिला को डिफरेंट जो चीजें वो लोग नॉर्मली नहीं खाता है, नॉर्मल टाइम में ये सब चीजें खाने का मन करता है। यू पीपल आर सीइंग हियर इज इमली दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इमली जैसा सोर चीज, और कभी कभी ऐसा आम नॉट ऑर्डिनरी जो चीज जनरली महिला दूसरे टाइम में खाते नहीं है, वो सब चीजें जो कभी कभी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है ऐसा खाना हम लोग पसंद करते हैं। ये टाइम में महिला को कभी कभी जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाने का मन करता है उसको। इसका वजह यह है, हियर यू सी दिस इज यूटरस एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लडर। ये यूटरस का अंदर बच्चा जन्म होता है, बच्चा जितना बढ़ते रहता है दिस यूटरस गिव्स प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लडर। हम लोग का प्रेशर कैसे लगता है, जब देयर इज अ स्फिंक्टर, जब स्फिंक्टर का ऊपर यूरिन का प्रेशर होता है तब कोई आदमी को प्रेशर का मन करता है, यूरिन करने का मन करता है। तो हियर व्हेन द यूटरस बिकम्स बल्की, इसका ओजन भी बढ़ जाता है, इट गिव्स प्रेशर ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, तब महिला को जल्दी जल्दी प्रेशर पेशाब करने का मन करता है। इसको हम लोग बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसका थोड़ा दिन बाद ऐसा होता है जे जो यूटरस में जो बेबी ग्रो कर रहा है इट गोज इन द एब्डोमिनल कैविटी, बच्चा तो ऊपर उठ जाता है एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। देन जो प्रेशर ओवर द ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर जो प्रेशर देन इट रिलीव्स व्हाट आफ्टर दैट पीरियड महिला को शी गेट्स ए रिलीफ, उसको थोड़ा आराम मिलता है। और जो आगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन था और रिपीटेडली गर्भवती महिला को बाथरूम में जाना पड़ता था, अभी वो सिम्टम डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू रिलीफ ऑफ प्रेशर ओवर द यूरिनरी ब्लडर। फर्स्ट टाइम स्टर ने और एक और एक सिम्टम्स होता है, ये है और एक सिम्टम्स होता है दैट इज चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, देयर इज ब्लू कलरेशन ऑन द वजाइना। यू सी दीज आर द जेनिटल पार्ट्स एंड
this is the cervix and this is the vagina. Here at the time of pregnancy kya hota hai, there is increased blood supply. Blood supply increased hota hai as the uterus is growing. Uterus bada ho raha hai, bachcha bhi bada ho raha hai. So bachcha and uterus both needs the blood. Dono ko blood chahiye. So jiska wajah se there is increased supply of blood in the uterus also and also in the vagina, also in the cervix. So jiska wajah se the color of the cervix, also the vagina, becomes bluish. And there is lots of change in the uterus also. Uterus aista aista bada hota rehta hai, with the course of time ye bada hota hai. To bhaiyo pregnancy ka symptoms ke bare mein aur bahut kuch bolna hai, ye video already bada ho chuka hai. Aap jante hain YouTube mein video ka ek limited time rehta hai, isse zyada hone se acha nahi lagta. So in the next video we shall discuss more about the symptoms of and symptoms and diagnosis of pregnancy of second, also in the third last semester.